दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए कंपटीशन बॉस चैनल को और दबाइए इस नोटिफिकेशन बेल को। जीके, संस्कृत और करंट इश्यूज के हर टॉपिक्स, हर टेक्निक्स और हर टिप्स आपको मिलेंगी सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल कंपटीशन बॉस पर और मैं हूं नितेश। दोस्तों वैदिक साहित्य के तहत देवता टॉपिक चल रहा है और आज हम देखेंगे अश्वर्णों के बारे में। ये एक युगल देवता है, तो आइए इनके बारे में सब कुछ जानने के लिए मेरे साथ चलिए क्लासरूम की तरफ। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। देखो अब हम जो देवता देख रहे थे अभी तक वो अलग थे, अब ये सबसे अलग देवता है। ये क्या द्विवचन वाले देवता है, यानी कि एक साथ दो लोग मिलते हैं तो इनका नाम है अश्वनव, ठीक है ना, यानी कि अश्वनी है ना। अब देखो अश्वनी देवता के बारे में या अश्वनव देवता के बारे में, देखो ये भी कहा रहते हैं द्विस्थानीय देवता है, ठीक है, द्विस्थानीय देवता है। मैं ये इसलिए लिख रहा हूं इस तरह डैश लगा के, भाई लिखने का मतलब तो ये है कि आपको लिखा हुआ मिल जाए, और बोल इसलिए रहा हूं कि इनकी डिटेल थोड़ी थोड़ी बता रहा हूं ताकि आपको ये याद रहती जाए। द्विस्थानीय देवता है और ये सबसे बड़ी बात युगल देवता है। मैंने आपको बताया ना युगल मतलब दो लोग, अश्वनव द्विवचन है, ठीक है ना, अश्वनी का द्विवचन अश्वनव है और इसका मतलब ये होगा कि ये दोनों देवता एक साथ रहते हैं। दो भाई हैं, दो मित्र हैं, वो एक अलग चीज है क्योंकि उसके बारे में मुझे भी जानकारी नहीं है कि ये क्या है, लेकिन अश्वनव द्विवचनकारी देवता है। अच्छा, ऋग्वेद में 50 तो संपूर्ण सूक्तों में है ना, 50 संपूर्ण सूक्तों में क्या है इनकी स्तुति की गई है, 50 संपूर्ण सूक्त में इनकी स्तुति की गई है। अच्छा आप देखो कुछ विरोधाभासी चीजें देखो, ये प्राचीन है ना, लेकिन प्राचीन होते हुए भी क्या है नव युवा, या प्राचीन होते हुए भी ये क्या है नव है, यानी कि नवीन है, क्या है ये नवीन है या युवक है, ठीक है। तो प्राचीन होते हुए भी ये नवीन युवक या नवयुवा है। फिर ये प्रकाशमान है, क्या है प्रकाशमान। अच्छा गले में क्या पहनते हैं ये, गले में क्या पहनते हैं, माला पहनते हैं, वो माला किसकी है कमल के पुष्पों की है ना, गले में कमल पुष्प की माला पहनते हैं है ना, तो इनकी गलमाला कैसी है कमल पुष्प की है। द्विस्थानीय देवता है, युगल है, 50 संपूर्ण सूक्तों में इनकी स्तुति की गई और ये प्रकाशमान है, साथ साथ कमल के पुष्पों की माला भी पहनते हैं। अब देखो इनके अन्य नाम भी देख लो, ठीक, इनके अन्य नाम क्या होता है, इनसे बहुत सारी चीजें बहुत सारे सवाल आती हैं, इनको विशेषण के रूप में भी कहा जाता है, ठीक है। तो पहला नाम अपन देखेंगे नासत्य या नासत्या, ठीक, इनका एक नाम है नासत्या, यानी कि ये कभी असत्य भाषण नहीं करते, नए असत्या है ना, तब बनेगा नासत्या, नए असत्या, ठीक, इनका एक नाम है नासत्या। दूसरा हिरण्यवर्तन, हिरण्यवर्तन ये भी इनका एक अन्य नाम है, नाम अलग अलग हैं क्योंकि इनकी विशेषताओं पर आधारित हैं। फिर एक नाम है इनका नीचेतास, नीचेतास ये भी इनका एक अलग हटके नाम है, ठीक है। मधु युवा ये भी इनका नाम है ना, मधु युवा ये भी इनका एक अन्य नाम है। इस प्रकार इनके नाम बहुत बहुत सारे हैं। एक और अलग नाम है, सबसे अलग नाम है, वो नाम क्या है स्यूमबस्ती। देखो ये चीज याद रख लेना, नाम जरूर टेढ़ा है, टिपिकल है, लेकिन कई बार ऐसे नाम ही ये एग्जाम में पूछ लेता है कि स्यूमबस्ती किसको कहा गया है, स्यूमबस्ती किसको कहा गया है, ये अश्वनी देवताओं को ही कहा गया है क्योंकि ये द्विवचनकारी देवता है, ये विशेष रूप से याद रखने वाली चीज है। एक नाम और है इनका, ये वो है द्रष्टा, ये भी इनका अलग से नाम है। इनको रटने के अलावा भी अपने पास कोई चारा नहीं है, रटना इसलिए जरूरी है क्योंकि एग्जाम में कहां से पूछ लेता है, कोई चीज अपने को पता नहीं होती है। अच्छा देखो इंद्र को सोमप्रिय था, ये क्या है मधुप्रिय है, ये क्या है मधुप्रिय है, यानी कि इनको शहद खाना अच्छा लगता है। दूसरा ऐसा जीव होता है भालू जिसको शहद खाना अच्छा लगता है, या फिर अश्वनी देवताओं को शहद खाना अच्छा लगता है। अच्छा और एक चीज, ये अश्वनी की स्थिति द्विस्थानीय तो बताई गई है,
लेकिन इसकी एक्चुअल पोजीशन भी ऋग्वेद में बताई गई है। वो कहां बताई गई है? देखो, उषा है ना, वे सूर्य के मध्य में ये स्थित है। अब देखो, इनका निवास स्थान द्विस्थानी है, लेकिन ये उषा और सूरज के बीच में जो है अश्विनी की स्थिति बताई गई है। तो ये कहां है? उषा है सूर्य के मध्य काल में इनकी स्थिति बताई गई है, यानी इनका उदय कहां से होता है? उषा है सूर्य काल के मध्य में। ठीक, इनकी पत्नी का नाम क्या है? सूर्या। पत्नी कौन है? सूर्या। और ये सूर्या कौन है? ये सूर्य की पुत्री है, सूर्य की पुत्री। सूर्य की पुत्री सूर्य के ये पति हैं, यानी कि ये इनके ससुर कौन हुए? सूर्य। और इनकी पत्नी कौन हुई? सूर्य। ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और, ये भी देवों के क्या है? देवों के कुशल, ये भी देवों के कुशल चिकित्सक हैं। यहां लिखा नहीं जाएगा, नीचे लिख देता हूं मैं, ये भी देवों के कुशल चिकित्सक हैं। ठीक, ये इतना ही नहीं, इससे भी एक कदम आ गए हैं। इन्होंने क्या किया, देवताओं के कुशल चिकित्सक तो हैं, तो इनको मेडिकल साइंस का तो ज्ञान है, तो इन्होंने क्या किया, महर्षि थे च्यवन, है ना, महर्षि च्यवन कौन से थे, जिनके नाम पे च्यवनप्राश आता है, च्यवन ऋषि। ठीक है, इन्होंने क्या किया, च्यवन ऋषि को एक ऐसी दवाई दी कि वो हमेशा के लिए वृद्ध अवस्था से या वृद्धत्व के श्राप से मुक्त हो गए। तो इन्होंने क्या किया, उसको यौवन प्राप्त किया, च्यवन ऋषि को वृद्धता से मुक्त कर, है ना, क्या किया, यौवन प्राप्त, यौवन दिया, है ना, यौवन प्रदान किया। तो देखो, आजकल इनका बहुत महत्व है, क्योंकि देखो अगर लोग कई बार बाल सफेद हो जाते हैं, उनको काले करते फिरते हैं, या झुर्रियों के लिए ऑपरेशन कराते हैं, या कई बार टमी बढ़ जाता है उसको ऑपरेशन कराते हैं, यानी कि ये अश्वनी ऐसा देवता है जो वृद्ध अवस्था को बिल्कुल समाप्त कर देते हैं और यौवन प्रदान करते हैं। तो च्यवन ऋषि को यौवन प्रदान करने वाले कौन थे, ये आपके अश्वनी ही थे। तो देखो, द्विस्थानीय देवता है अश्वनी, युगल रूप में इनकी स्तुति होती है, 50 संपूर्ण सूक्तों में इनकी स्तुति ऋग्वेद में की गई है, प्राचीन होते हुए भी ये युवक है, प्रकाशमान है, गले में कमल के पुष्पों की माला पहनते हैं। तो मैं इतना एक बार यहां से हटा देता हूं। ठीक, अब एक बार देखो, इनका अन्य नाम जो है वो है नासत्या, हिरण्यवर्ग, नीचेतस, है ना, मधु युवक और शिव बस्ती है। मधु इन्हें प्रिय है, उषा सूर्य के मध्य काल में इनकी स्तुति हुई, यानी कि उषा और सूर्य के मध्य काल में ये उदय इनका होता है। सूर्य की पुत्री सूर्य इनकी पत्नी है, च्यवन ऋषि को इन्होंने यौवन प्रदान किया था, और साथ साथ इन्होंने एक काम और किया, एक ऋषि थे है ना, अत्रि, है ना, महर्षि अत्रि का नाम सभी ने सुना होगा, अत्रि को इन्होंने क्या किया, कारागार से मुक्त कराया, है ना, कारागार से मुक्त कराया। भाई अपने को केवल क्वेश्चन से मतलब है, अब वो कारागार में क्यों गए इससे भी अपने को मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो अत्रि ऋषि का भी इन्होंने उद्धार किया और च्यवन ऋषि का भी उद्धार किया। एक ऋषि और थे, है ना, उनको इन्होंने क्या किया कि एक ऐसा घोड़ा दिया, सफेद रंग का था, वो नाम था पेदु ऋषि थे, है ना, इनको इन्होंने क्या किया, तीव्रगामी सफेद या श्वेत अश्व प्रदान किया। उनको हो सकता है कि जाने की जल्दी हो, साधन नहीं हो, तो इन्होंने क्या किया, अश्वनी देवता ने पेदु ऋषि को एक सफेद या श्वेत रंग का अश्व प्रदान किया, और महर्षि अत्रि को कारागार से मुक्त कराया, और महर्षि च्यवन को इन्होंने क्या किया, पूर्ण रूप से हमेशा के लिए यौवन प्रदान कर दिया। ठीक है ना। अच्छा, एक ऋषि और थे, देखो इसमें ऋषियों के नाम होता है, ब्रज्जु, है ना, ये भी ऋषि का नाम है, ब्रज्जु ऋषि। ब्रज्जु ऋषि का क्या हुआ, ये समुद्र तल में थे, है ना, ब्रज्जु ऋषि का क्या हुआ, ब्रज्जु का इन्होंने समुद्र तल से निकाल कर, है ना, समुद्र तल से निकाल कर उद्धार किया, और ये इनका महान कार्य है। तो एक सवाल ये बन जाता है कि अश्वनी का महान कार्य क्या है, ब्रज्जु ऋषि को समुद्र तल से उद्धार करना इनका महान कार्य। तो चार ऋषि हो गए, च्यवन, अत्रि, पेदु और ब्रज्जु। च्यवन को इन्होंने यौवन प्रदान किया, अत्रि को इन्होंने कारागार से मुक्त कराया,
पेदु ऋषि को सफेद रंग का तेज चलने वाला घोड़ा दिया और ब्रज ऋषि को तो इन्होंने समुद्र तल से बाहर निकाल करके उनका उद्धार ही कर दिया। अब अपन देखेंगे एक चीज वो है कि ऋषियों के भी ऋषि यानी कि इस सूक्त की रचना किसने की, किसकी, अश्वन सूक्त की। वो दो ऋषि हैं, पहले तो हैं वशिष्ठ, ठीक है ना, कौन से, वशिष्ठ, दूसरे हैं कक्षीवान, ठीक, दूसरे ऋषि हैं कक्षीवान। तो दो ऋषि हैं, पहले तो वशिष्ठ हैं, दूसरे हैं कक्षीवान, ठीक, जिन्होंने अश्वनी सूक्त की रचना की। तो इसके ऋषि कौन है, कक्षीवान, ठीक है ना। मधुप्रिय है ये उषा, सूर्य जो है इनकी पत्नी है सूर्या, और सूर्य की वो पुत्री है, उषा और सूर्य के बीच में स्थित हैं, देवों के कुशल चिकित्सक भी हैं। चवन ऋषि को इन्होंने पूर्ण यौवन प्रदान किया है ना, अत्रि ऋषि को इन्होंने कारागार से मुक्त कराया, पेदु ऋषि को इन्होंने सफेद रंग का घोड़ा दिया जल्दी जाने के लिए, ब्रज ऋषि को इन्होंने समुद्र से उद्धार किया। और जब ब्रज ऋषि को समुद्र से उद्धार किया ना, यही इनका महान कार्य है, ये सवाल आ सकता है। ऋषि इसके अश्वनी सूक्त के कौन है, वशिष्ठ और कक्षीवान। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में जरूर लिखें। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसमें एक ऊपर बेल आइकन लगा हुआ है, इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो मेरे वीडियो सबसे पहले पहुंचेंगे आपके पास। दोस्तों लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें और ना ही शेयर करने में करें, क्योंकि इससे बड़ी समाज सेवा संस्कृत वाले भाई बहनों के लिए नहीं हो सकती। और दोस्तों मैं बताऊं आपको कि संस्कृत एक बहुत ही विस्तृत अपने आप में लैंग्वेज है, हर स्टेट का सिलेबस अलग है, हर स्टेट में टॉपिक्स अलग हैं। तो आप मैक्सिमम कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, ताकि मैं अगला वीडियो जो है उस टॉपिक पे बना सकूं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, ऐसे ही किसी वीडियो के साथ मैं फिर मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।